अच्छी नहीं खींची होगी तुम लोगों ने, इसलिए वो रीशेयर हो गई। अब काफी अच्छी फोटो आएगी, अब पाजी शेयर भी बढ़िया फोटो खींचोगे तो अपने आप रीशेयर हो जाएगी। ओके चलो अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू सो मच पाजी, कांग्रेचुलेशंस। पहले इस कौन सी स्विच सुपर बाइक पर स्विच करना था? 600 सीसी कैटेगरी 600 ना, अगर आप 200 सीसी चला रहे हो तो। और अपने साथ देखो कौन है, चीफ गेस्ट वीवीआईपी भाई साहब, ये छुट्टी लेके आए वीवीआईपी, हमें कोई नहीं है। चेक कर मुंडे दी तू रेंज, चेक कर चेक कर मुंडे दी तू रेंज, चेक कर चेक कर इदे नाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव सिंह जीएस व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप लोग, होप यू गाइस वी आर एब्सोल्युटली फाइन। और मिलिट्री एरिया में अपन आ चुके हैं और अभी अपन कहाँ चल रहे हैं, बीएमडब्ल्यू मोटरार्ड। तो भाई आज का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे ये व्लॉग किस रिगार्डिंग होने वाला। तो हाँ यार, आज खन्ना जी अपने आए हुए हैं, खन्ना जी को और उन्हीं के साथ में आए हुए हैं जट पा जी। तो जट पा तो वो लोग आए हुए हैं आज जयपुर दिल्ली से, और खन्ना जी ने अभी न्यू S1000RR लिया है, तो वो उसकी डिलीवरी लेने जयपुर आए हुए हैं। तो भाई कितनी खुशी की बात है, और सडनली मैं उनसे कल ही मिल लिया था, और क्योंकि वो दो दिन यहाँ रुके हैं तो आज उनकी बाइक में थोड़ा काम वाम चल रहा है, तो आज वो अपनी बाइक की डिलीवरी लेंगे। ऑल द अनबॉक्सिंग वगैरह जो थी वो कल ही हो गई थी, बट आज फाइनली वो यहाँ से लेके दिल्ली वापस निकलेंगे और यहाँ से राइड करते हुए निकलेंगे। और उन्हीं के साथ में एड प्रभजोत पाजी और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो आपको आज देखने को मिलेगा थोड़ा स्पेशल व्लॉग। भाई अनबॉक्सिंग है और मतलब S1000RR भाई शाइन ब्लैक कलर में जो पाजी साउंड सुनाएंगे आपको, और भाई लोगों से भी मिलना होगा, और होगा ही क्या मतलब जट पाजी से भी अपन बात करेंगे, और यार एक सीनियर राइडर से थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा फील होता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इस ब्लॉग में देखते हैं आज क्या क्या तबाही होने वाली है, क्या क्या तड़का लगने वाला है। तो BMW शोरूम चलते हैं और डायरेक्ट आपको वहीं मिलते हैं। ऑल दो पहले इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो बस थोड़ी सी दूर है, बाकी शोरूम चलते हैं। आ चुके हैं प्रताप मोटरार्ट, और भाई अभी इसके अंदर खड़ी है मशीन, और आई थिंक आप लोगों ने कल देख लिया होगा यार, मतलब स्टोरी वगैरह पे डाल देता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाइक रिवील ऑलरेडी हो चुकी है, और अपने साथ देखो कौन आया है, चीफ गेस्ट वीवीआईपी भाई साहब, ये छुट्टी लेके आए वीवीआईपी, हमें कोई नहीं है यार। हल्के टक गुंजे हैं उनको सारे भाई, ये ऑफिस की छुट्टी लेके आई है, ऑफिस की छुट्टी स्पेशल लेके आई है ये। और भाई इस पर्दे के अंदर रखी है मशीन, जो कि मैं ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ, और मतलब मज़ा आएगा यार, काफ़ी ज़्यादा फन करेंगे अभी। और जट पाजी ऊपर बैठे हैं जो कि अभी उनका चल रहा है, और खन्ना जी वहाँ पे खड़े हैं भाई साहब अल्टीमेट, और ये हमारे वीडियोग्राफर। अब फटाफट से अनबॉक्सिंग होगी गाड़ी की, रिवील होगी, और यहाँ से लेके निकलेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेट्स सी। लखनऊ के शेर हमारे आयुष भैया, कैसे हो पहली बार काफ़ी टाइम से जानते हैं, और जयपुर आए भी तो शायद आप पहले आए थे, आया भाई पहले उत्तम ब्लॉग ही करता था, उधर राइट प्लान करी, आज ही आए होगे आप, कल तो नहीं दिखे, कल आया था, तो यहाँ पे आए थे, बैठे थे कार में थे अजीत, लेते हैं डिलीवरी। आयुष भाई से भी मिलना हो गया है, सो भाई अब पर्दा रिवील होगा, भाई रेडी 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 Congratulations!
हमारे सब्सक्राइबर्स को पूछना पड़ेगा, बताओ हार्डवर्क हार्डवर्क भाई डेडिकेशन होना चाहिए बस, वीडियोस डालते रहो। मैं स्टार्टिंग से पता कब से देख रहा हूँ, जब से अपने पास आर एस टूल, मेरे पास भी आर एस टूल और उससे ही चल रहा है, अभी हार्डवर्क चल रहा है धीरे धीरे। और सबसे पहले इस कौन सी सुपर बाइक पर स्विच करना है? 600 सीसी कैटेगरी, 600 ना, अगर आप 200 सीसी चला रहे हो तो गाइस 600 पे स्विच करने का है। वैसे तो Z900 सोच रहा था यार। जी हाँ जी बढ़िया है भाई, Z900 सही है ना? हाँ आराम से मस्त है। बाकी भी आयुष भाई थोड़ा फ्री हो जाएंगे ना तो उनको अपनी बाइक पे लेके चलेंगे, एक बार एक बाइक पे बैठेंगे ना तो उस बाइक का अच्छा हो जाएगा थोड़ा सीन। ठीक है आयुष भाई, अरे एक ही बात है, पूरी टेबल गिरा हुआ है यार, लाइट भाई देखने में तुमको लग रहा है बाइक का हो गया हैप्पी बर्थडे, अंकल थोड़ा सा खा के ना, बाकी डिफेंडर खड़ी है बाहर। लेकिन केक टेस्टी है। चलो भाई भाई एक चीज तो बता दूं, जिसके पास बाइक की चाबी है ना, बाइक उसी की है भाई का। मैंने देखा चाबी नहीं लगी हुई थी बाइक पे, ये भी चेक करना भाई इनकी, भाई इंजन भी है नहीं है, इसने निकाल दिया। अब तो 6,000 दे दो। अबे भाई आपको दे दे भाई, 30 लाख की बाइक ले लिया। हेलो वो इसी में एडजस्ट हो गए, बोलो सब खत्म हो गए। नहीं हमने नहीं, अब उधार खत्म हो गया, अंकल ने मेरे को पकड़ा दिया था। अंकल कह रहे बाइक के साथ ले खत्म। See this beauty. यार जल्दी करो, पनवेल निकलना है। चेक कर मुंडे दी तू मेज, चेक कर मुंडे दी तू रेंज, चेक कर चेक कर इहदे नाल बैड़ी उठनी, चेक कर किन्ने कर दे आ चेज, चेक कर चेक कर जिथे कर दे ने जड़े विच, चेक कर इहनां नूं मार की ए दिल सी। As photographer in this Jaipur, oh my god, let's zoom kar rahe hain, ultimate sabai delivery वगैरह ले लिए, पटाखे वटाखे बच गए हैं, खन्ना जी वहाँ सामने खड़े हैं और मिठाइयाँ खा लिए इसने, एक लड्डू लपके लड्डू खाया ना तुमने नहीं। खन्ना जी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू बाइक। Wow! Wow, man. चालू तो हाँ, अरे वाह, ये आयुष भाई हमारे, और जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं भाई, लखनऊ के किंग हमारे भाई, मेरी स्टार्ट भी यही था RS 200 से मत। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, कैसी है गाड़ी बताओ? अच्छी मॉडिफिकेशन कर रखी है, एकदम कंप्लीट लोडेड है, लोडेड। ओके ब्रो, ओके ब्रो, थैंक यू। सही सिस्टम है ना, देखो आगे से थोड़ा ऐसे कर रखा है और ये एकदम टूरिंग वाला सेटअप लग रहा है, टूरिंग सेटअप, और इससे मैं लद्दाख भी जाके आ गया, बहुत बढ़िया भाई। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं भाई। ओके आयुष भाई, बढ़िया है ना, तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, शायद तुमने तो कर रखा होगा, कर रखा है ना, तो अपने भाई बंधु को ये बोल देना, ठीक है, एक बार आए कर दो अपने भाइयों को सब्सक्राइब और लाइक, ये ब्लॉग आएगा और ब्लॉग में तुम भी आओगे भाई। ओके सो यार बेसिकली क्या है, अभी अनबॉक्सिंग वगैरह हो गई है, गाड़ी की डिलीवरी ले ली है, आयुष भाई से भी मिल लिया है, हमारे ब्लॉग में भी आ जाओ, आगे भाई तुम्हारे ब्लॉग में। गौरव सिंह जी, गौरव सिंह जी एस फिल्म, दो लाइनें बोलनी है क्या? दो लाइनें बोलनी है, नियरली दो लाइन, तुम्हारा भी है क्या? ये इंस्टा पे भी डलेगा क्या? गौरव सब बढ़िया, सब बढ़िया, पहली बार मिला, पहली बार, वैसे पहली बार मिला।
मेरे को शक्लें याद रहती है, अच्छे बंदों की याद रहती, बाकी भी नहीं रहती। भाई मगर एक गल है, क्या नहीं करती मेरे ख्याल से सारा स्टोरी फुल दे। अच्छा रीशेयर नहीं करी थी यार, मैं देखते नहीं थे, मेरा इंस्टा मैं नहीं देखता, समीरन साहिबा ये सारे लोग देखते, बट टाइम ही नहीं होता भाई। अब जब मैं यहाँ पे मैंने व्लॉग बना लिया, खुद जाके एडिटिंग करनी है, मैं एडिट करने बैठूंगा अभी, बट टाइम नहीं होता। फिर मेरे को रील देखने को भी डालनी है, फोटो डालनी है, तो देखने में लगता है कि यहाँ क्या है, 5 मिनट का व्लॉग ही तो है, पूरा दिन हमारा ऐसे निकलता है। अभी जब से मैं घूम रहा हूँ, आप दोनों में से किसी ने मेरे हाथ पे फोन देखा नहीं कि मैं फोन चला रहा हूँ बैठ के, वो होता ही नहीं मेरे से, होता ही नहीं। कोई बात नहीं, फोटो अच्छी नहीं आई होगी ना, जिसमें मेरी फोटो अच्छी आती है वो रीशेयर कर देते हैं। मेरी फोटो अच्छी नहीं खींची होगी तुम लोगों ने, इसलिए वो रीशेयर नहीं होगी। अब काफी अच्छी फोटो आएगी, अब पाजी शेयर भी कर देगा, बढ़िया फोटो खींचोगे तो रीशेयर हो जाएगी। चलो अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू सो मच पाजी, सो मच। रखो रखो आपको, नाम पता है? नाम ना, 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 ये तो शौकीन है। नाम क्या है मैम का? नाम नहीं बता ले भाई, पोपट हो गया। अब ये बताओ, हाँ हाँ ये इसका काम यही है। तभी तो पूछो नाम बता, इसमें हम नाम देख लेंगे। तुम भी करना, अच्छी फोटो करना भाई, बढ़िया वाली, नहीं तो नहीं शेयर नहीं होगी। चलो हेलमेट लगाते हैं और मोटर व्लॉग आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। टिल देन रब रखा, बाय बाय। क्या कि यार मतलब व्लॉग ही एंड करना नहीं बोला, तो अभी घर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट शाम के 7 बज चुके हैं, और भाई 7 बजे घर है, वो लोग निकल चुके थे आई थिंक 3 या 4 बजे वो बाइक लेके निकल चुके हैं। अपना अपनी थोड़ी ऑफलाइन बातें भी ज़रूरी होती है लाइफ के अंदर, तो वो सारी गपशप के अंदर ऑलमोस्ट 7 बज गए, और मैं भूल ही गया बातों ही बातों में कि ब्लॉग भी एंड करना था। तो यार इस ब्लॉग में यही था, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बेसिकली क्या है कि यार एक सीनियर राइडर से मिलते हैं, उनसे थोड़ी बातें करी, जट पाजी से हमने बातें वगैरह की। ऑलमोस्ट मेरा तो सेकेंड टाइम था जब मैं मिला था पाजी से, और काफ़ी अच्छा लगा यार उनके साथ बातें करके। खन्ना जी से भी बातें करी, जटपा जी से भी बातें करी, और आयुष भाई से भी अपन ने बातें करी, काफ़ी अच्छा मैं कल मिल अच्छा लगा। इस ब्लॉग में यार इतना ही था, आई होप आपको सिंपल सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टिल द टाइम बाय, राइड सेफ।